टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, ये तीनों बताया था मैंने आप लोगों को कल, है ना। यहां पे बताया था यूनिट्स ऑफ आउटपुट, टोटल रेवेन्यू सब रुपीज में है ना, फिर एवरेज रेवेन्यू बताया था और मार्जिनल रेवेन्यू 8 पॉइंट्स में बताया था मैंने। फिर क्या बताया था इसमें, देखो पुट किया किसी ने ग्राफ में, बताओ नहीं किया क्या पुट, बताओ ना जल्दी से, नो मैम, चलो जल्दी से पुट करो डायग्राम को। देखो ये ऐसे 8 उसमें बनेगा, ये ऐसे ही रफ में बना रही हूँ मैं, है ना। अब देखो इसमें टोटल रेवेन्यू फर्स्ट वाले में कितना बताई थी मैं, 100, 180, 240, 280, 300, 300 और 280 और 240, यही वाली डेटा बताई थी मैंने कल। यस मैम। नेक्स्ट देखो एवरेज रेवेन्यू में क्या था, 100 था, 90, 80, 70, 60, ट्वेंटी, 0, -20, -40। चलो अब अपन इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं, तो देखते हैं कैसे बनता है। देखो आप लोग चलो इसको स्टार्ट करो बनाना। ये एक्सेस एक्सेस में ले लिया मैंने, ये वाला चले गया अपना वाई एक्सेस में। नेक्स्ट देखो अगर इस तरफ मैं सिर्फ कॉस्ट लेती हूँ, है ना, कॉस्ट इन रुपीज, और यहां पर क्या लेती हूँ मैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब देखो सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 0 हो गया कॉमन तीनों दोनों एक्सेस के लिए, है ना, ये 5, 6, 7, 8। और इधर कैसे होगा देखो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। ये हो गया। देखो आप फर्स्ट देखो, जब यूनिट ऑफ आउटपुट 1 है तो टोटल रेवेन्यू 100 वाला, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये 1 का 100 से पॉइंट, सेकंड पे कितना आया था 180 यहाँ पे लिया, थर्ड पे कितना आया है देखो 240, फोर्थ पे कितना आया है 280, फिफ्थ पे देखो 300, सिक्स्थ पे भी 300, सेवेंथ पे कितना है 280, जस्ट नीचे आ गए अपन, और एट्थ पे कितना दिया है 240। ये कल इतना मैंने आपको बताया था, तो हम देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे अपना ग्राफ बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हूँ मैं। ये देखो ये सेम वैसे ही बन रहा है ना जैसे अपन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में बनाया था ग्राफ, सेम ऐसे ही नहीं बनाया था उसमें भी, फर्स्ट टोटल प्रोडक्ट का ऐसे ही बना था, याद करो उसमें यस मैम, सेम यस ऐसे ही मैम, बना था ना टोटल प्रोडक्ट का उसमें। यस मैम, है ना,
अब देखो यहाँ तक कल मैंने बताया था, ये कौन सी लाइन हो गई, टोटल रेवेन्यू वाली। देखो वो जो हमने किया था लास्ट क्लास में, जो टोटल प्रोडक्ट था वो, उसमें प्रोडक्शन की बात हो रही थी, मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा है। अभी में हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, इनकम। नेक्स्ट देखो, अब एवरेज रेवेन्यू एक पे कितना है 100, तो देखो फर्स्ट पे फिर से 100, इसलिए डबल सर्कल लगा रही हूँ। सेकेंड पे क्या है देखो 90, तो ये मेरा सेकेंड, और सेकेंड पे मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये 90 लिया, जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे। फिर थर्ड में देखो क्या आ रहा है, उसके जस्ट नीचे 80, फिर इसके नीचे देखो क्या आ गया, ये 70, फिफ्थ में क्या आ रहा है देखो 60, और सिक्स्थ पे ये 50, तो ये 50 वाले में ये यहाँ 50 आया। सेवन्थ में क्या आ रहा है 40, तो जस्ट 50 के नीचे आ गया 40, और एट्थ में क्या आ गया 30, देखो जस्ट नीचे इसके 30। तो ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, ये देखो ये ना आप लोग एक उसमें बनाना सीधे उसमें, तो देखो डायग्राम कैसे बन रहा है, ये सब नीचे डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं, एक एक स्टेप डाउनवर्ड हुआ ना अपना। देखो ये टू पे यहाँ पे आया, ये थ्री पे, ये फोर पे, ये फाइव पे, ये सिक्स, ये देखो ये सेवन, और ये एट। तो देखो ये स्कोप जो अपना ये स्लोप आई कैसे आई, वो डाउनवर्ड आई ना, देखो एकदम एक एक स्टेप देखो नीचे आते गया। तो ये कौन सी एक्सिस बनी अपनी, देखो ये टच नहीं करेगी ना, ये एट पे कितना है 30 एवरेज रेवेन्यू। यहां तक डाउट है किसी को? नो मैम। नेक्स्ट देखो फिर से, अब मार्जिनल रेवेन्यू, फर्स्ट पे 100, तो देखो इस पे थर्ड सर्कल ले रही हूं मैं 100 का, क्योंकि तीसरी बार आया। सेकंड पे कितना आ रहा है देखो 80, तो अब हम 80 बनाएंगे ये सेकंड, ये देखो ये 100 था, इसमें 90 था, तो मैं जस्ट इसके नीचे करती हूँ, ये 80 है ना। थर्ड पे क्या आ रहा है देखो 60, यहाँ पे फोर्थ पे आ रहा है 40, तो 50 ये भी नीचे 40। फिफ्थ पे क्या आ रहा है देखो 20, जस्ट और नीचे हो गया। सिक्स्थ पे क्या आ गया 0, ये रहा 0। फिर सेवेंथ पे कहाँ गया -20, जस्ट नीचे करूंगी मैं, ये देखो यहाँ पे। और एट पे आ गया -40 और नीचे, इधर देखो ये लाइन इधर गई, इधर ऐसे ये नीचे टच करते हुए यहां से 100 से आ रहा है समझ में। तो ये आप लोग ऐसे चार्ट बने, देखो ये माइनस की तरफ, ये माइनस वन, ये हो गई अपनी मार्जिनल रिवेन्यू। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, अब इसको साथ में रखो और हम कुछ फाइंडिंग्स करेंगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब हमको काम आएगा। तो अब हमने सबसे पहले कंपेयर करना, देखो दोनों आपके स्क्रीन पे हैं, अब हम सपोज कंपेयर करते हैं, रिलेशन बिटवीन बनाएंगे किसके बीच में, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में। तो ये रहा अपना टोटल रेवेन्यू और ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू। देखो ऊपर मैं रेड उससे टिक किया है मैंने, दिख रहा है सबको, ये देखो टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये रहा टोटल, ये रहा मार्जिनल। अब हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, यानी ये जीरो से ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू, देखो रेड लाइट फॉलो करो, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये जीरो से जब ज्यादा होगी, तो जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, इट मींस क्या, जीरो से ज्यादा, ग्रेटर देन जीरो, वहां तक टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू राइजेस। देखो ये जो अपना टोटल रेवेन्यू है ये वाला, ये देखो जहां तक जीरो है, जीरो के पहले 20, इट मींस ये वाला लाइन देखो, ये जीरो है ना,
जीरो के पहले देखो ऊपर, यहां तक तो देखो कांस्टेंट हो गया था, जीरो तक 300 300, और उसके बाद ये कम होने लग गया। और अगर उसके पहले देखेंगे तो पहले 100 हुआ, 180, 240, 280, 300। इट मींस जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, पॉजिटिव है, 20 तक पॉजिटिव है, तो तब तक टोटल रेवेन्यू क्या है, पॉजिटिवली राइज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। आया समझ में? सेकेंड देखो, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है तब टोटल रेवेन्यू अपने किस पे रहता है, मैक्सिमम पे रहता है, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अगर आप नोटिस करो, ये देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू जीरो, ठीक, ये रहा आपका टोटल रेवेन्यू 300। तो देखो उसके बाद 300 से बढ़ ही नहीं पाया, और उसके पहले भी देखो 300 नहीं था यहाँ पे। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है, तो देखो एक बार हम मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव बता रहे हैं, एक बार जीरो बता रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं, तो तब टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, देखो स्टार्ट फॉलिंग, टोटल रेवेन्यू भी अब कम होना स्टार्ट हो गया है। पॉजिटिव में ही हो रहा है, देखो माइनस पे नहीं जा रहा है, पर देखो कम होना शुरू हो गया जीरो के बाद, 280 to 240। नेक्स्ट देखो, जब AR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जब दोनों फॉल कर रहे हैं, ठीक है, जब दोनों फॉल कर रहे हैं, व्हेन बोथ आर फॉलिंग, AR एंड MR, बोथ आर फॉलिंग, तब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, MR falls at faster rate, याद रखना MR बहुत ज्यादा फास्टरली उससे क्या करेगा, डाउनवर्ड की तरफ आएगा, देन AR। ये देखो जब ये कम होना शुरू हो गया, दोनों कम हो रहे हैं, तो MR देखो डायरेक्ट नेगेटिव में चले गया, तो MR falls at faster rate देन AR, ये याद रखना कॉन्सेप्ट। ये कुछ assumptions हैं, या presumptions बोल के चल रहा हूँ, कि ये वाली conditions आपको याद होनी चाहिए, कि जब marginal revenue positive है तब total revenue ज्यादा होगा, जब marginal revenue zero है तब total revenue क्या होगा, सबसे maximum पे होगा, जब marginal revenue negative पे होगा तब total revenue क्या हो जाएगा, fall करेगा। तो ये चार condition एकदम बोलते हैं ना, एकदम घोट लेना याद करके, क्योंकि जब हम इसके बाद मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तब मैं ये वाली चीजें आपको समझाऊंगी नहीं, याद रखना। तब मैं कुछ मार्केट की कंडीशन एक्सप्लेन करते रहूंगी, और तब मैं बोलूंगी देखो TR अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या होगा कि MR क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ये देखो देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, TR क्या है, मैक्सिमम, इसका मतलब MR क्या है, जीरो, तब वो ऑटोमेटिकली लिख देगा, फिर मेरे से पूछना मत मैडम ये कहां से आया, और फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं उसमें। तो ये अभी देख लो सारे कॉन्सेप्ट, ये एकदम याद होनी चाहिए आपको ये चारों। ये टेबल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराने का मतलब यही था कि आप ये सिचुएशन देख सको। देखो मैं जो भी टॉपिक्स करवा रही हूँ, मैं पूरा ये यूनिट एक दूसरे टॉपिक्स के साथ कोरिलेट करते चलूंगी। अब देखो हमारा इस यूनिट में मेन टॉपिक है मार्केट्स, ठीक है, और उस मार्केट्स में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। अपन, मैंने कल बोला था हम रेवेन्यू भी पढ़ेंगे और हम कॉस्ट भी पढ़ेंगे। रेवेन्यू मीन्स इनकम, टोटल सेल प्रोसीडिंग्स, और कॉस्ट में क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्रोसीडिंग्स। अब देखो मार्केट, हम कितने टाइप का मार्केट पढ़ेंगे, पहला परफेक्ट सिचुएशन, सेकंड हम पढ़ेंगे मोनोपोली, और थर्ड हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन।
है. परफेक्ट मोनोपोली क्या होता है, जिसमें एक ही प्लेयर होता है मार्केट में. प्लेयर समझते हो, सेलर. यस मैम. ठीक है, एक ही सेलर है मार्केट में. तो बताओ मोनोपोली के एग्जांपल्स बताओ आप लोग मुझे. एकाधिकार बोलते हैं ऐसे, मेरे को कोई एग्जांपल्स बताओ वो काम. इंडिया, अपने इंडियन इंडिया कंट्री को ध्यान में रखो और बताओ. रेलवेज क्या बोला बेटा, रेलवेज. इस हाँ, बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली में रेलवे. और बताओ. लेकिन इंडियन एयरलाइंस. एयरलाइंस नहीं है बेटा मोनोपोली, उसमें इंडिगो भी है, विस्तारा भी है. तो कैसे मोनोपोली हो गई, एक का, जिसमें पूरा एक का ओनरशिप चल रहा है, वो होती है मोनोपोली. जिसमें दो तीन और इन्वॉल्व है वो मोनोपोली नहीं होगी. और क्या अभी रेलवेज में मोनोपोली बची है? बताओ. मैम रेलवेज तो गवर्नमेंट का ही है ना, सारे प्राइवेट कहाँ है. आप लोग नहीं नो मैम, उसका पर अब वो धीरे धीरे प्राइवेट होते जा रहे हैं. हो रहा है ना अभी प्राइवेट, क्या ना अभी पैंडेमिक के टाइम पे. यस मैम, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे ना. ठीक है, लेकिन जब आएंगे, लेकिन अभी तक तो वो है, क्या है, मोनोपोली. ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं अपन. बताओ, डिफेंस, जो डिफेंस सेक्टर है इंडिया का, वो उसमें भी क्या है, मोनोपोली है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो. ये हो गया मोनोपोली. अब मोनोपोलिस्टिक को हम दो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ओलिगोपोली आता है, डियोपोली आएगा. मतलब जिसमें दो लोगों का मार्केट शेयर है. ओलिगोपोली मतलब दो तीन लोगों का मार्केट शेयर है. हाँ, अब इसमें आप लोग एयरलाइंस वगैरह डाल सकते हो, टेलीकॉम सेक्टर डाल सकते हो. जैसे एयरलाइंस में एक तो इंडियन एयरलाइंस चलती है, एयर इंडिया. ठीक है, फिर इंडिगो है, विस्तारा है, फिर डियोपोली, और क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली में और क्या आ जाएगा. जैसे पीएनजी के प्रोडक्ट्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, एमवे है. ठीक है, तो ये दो तीन लोगों के हाथ में है जो ओलिगोपोली. तो अभी मोस्टली ना मार्केट में मोनोपोली कम है, ये ज्यादा है ओलिगोपोली. आ रहे समझ में? यस मैम. ठीक है, तो ये मोनोपोलिस्टिक के टाइप्स हैं. ये मोनोपोली है, ये मोनोपोलिस्टिक है. अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है बताओ मैम, जहां बहुत सारे सेलर्स रहते हैं. हाँ, परफेक्ट कंपटीशन मतलब सब कुछ परफेक्ट है ना, सिचुएशन परफेक्ट है. सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं. जो सामान सेलर बेच रहा है, बायर वो खरीद रहा है चुपचाप. समझ में आ रहा है? सब कुछ प्रॉफिट में चल रहा है, कुछ भी लॉस में नहीं चल रहा है. जो प्राइस सेलर ने डिसाइड किए, वही प्राइस पे बायर उसको खरीद रहा है. तो ये सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, परफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट जैसी सिचुएशन आज की डेट में एक ये बन गई है. क्या बोला मैंने यहाँ पे लिखा, रीड करो. क्या बन गई है बताओ. मिथ. मिथ मतलब भ्रम. रियलिटी में ऐसे कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है, याद रखना. तो जो मैंने आपको बताया, परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली, और एक है मोनोपोलिस्टिक. ठीक है, तो परफेक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट. तो हम मोनोपोलिस्टिक को इम्परफेक्ट मार्केट भी बोलते हैं. आ रहा है समझ में? यस मैम. ठीक है, तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन. तो अगर ये भ्रम है
तो ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, रियलिटी, वास्तविकता बोल सकते हो। लिखना मत वास्तविकता और भ्रम, वो मैं बताऊंगी वैसे लिखना, ठीक है। ये क्या हो जाती है, मिथ हो जाता है, और ये क्या हो जाती है, रियलिटी, ठीक है। और ये मोनोपोली बहुत कम हो गई है अब, समझो न के बराबर है। आ रहे समझ में, कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो देखो एक चार्ट बना रही हूँ, आउटपुट देखो और सेल देखो, है ना, फिर टोटल रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू है, और फिर क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू है। तो परफेक्ट, एक सेकेंड, तो इस सिचुएशन में देखो, सपोज 1, 2, 3, 4, 5 लिया मैंने टोटल रेवेन्यू, अब देखो कितना हो रहा है यहाँ पे, 15 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 30, फिर 45, देखो एकदम सेम प्रपोर्शन में बढ़ते जा रहा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कोई आगे पीछे नहीं हो रही है। सेल भी देखो, एवरेज रेवेन्यू कितना है, देखो 15, 15, 15 है ना, एवरेज रेवेन्यू सेम है ना, देखो 15/1, 30/2 एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी या फिर आउटपुट या सेल। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू से माइनस करने से, तो इसमें तो कुछ नहीं है तो 15 ही हुआ, फिर 30 में से 15 गया तो 15, तो देखो 15, 15 आ रहे कि नहीं, बताओ। अरे नोट मत करो इसको, पहले बताओ मेरे को, बाद में नोट करना तुम लोग, बताओ इसमें क्या समझ में आया। क्या एनालाइज किया इसको देख के, देखो फर्स्ट कि ए आर इज कॉन्स्टेंट, ये एवरेज रेवेन्यू मतलब जो पर यूनिट का प्राइस है, जैसे 15 को डिवाइड किया 1 से तो क्या आया 15, फिर 30 को डिवाइड किया 2 से तो भी क्या आ रहा है 15, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, यस मैम। तो जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या है, कांस्टेंट। दूसरी चीज क्या एनालाइज की, एवरेज रेवेन्यू इक्वल है किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से, है कि नहीं है? यस मैम। ठीक है, तो याद रखना अगर कभी पूछूं परफेक्ट कंपटीशन और उसमें रेवेन्यू क्या होता है, तो आप उसमें याद रखना उसमें एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, पहला लॉजिक, और सेकंड लॉजिक क्या याद रखना, एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के, किस वाले सिचुएशन में, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पे। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, आया समझ में? यस मैम। पक्का, कोई डाउट? एक चीज और समझो, ये देखो अगर मैं ये चार्ट बनाती हूँ, सपोज यहाँ पे आउटपुट है ना, यहाँ पे रिवेन्यू देती हूँ, ठीक है। आउटपुट देखो पहले कितना आ रहा है, ये 5 तक है आउटपुट, देखो ये वाला है ना 1, 2, 3, 4, 5, अच्छे से समझना, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ ना, ये हो गया 5। अब इधर देखो ये रेवेन्यू अगर मैं डिसाइड कर दूं यहाँ पे 5, 10, 15, अब देखो ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, देखो 1 पे भी 15 है, 2 पे भी 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15, तो ये एक ऐसी लाइन बनी,
एवरेज रेवेन्यू की, और यही सेम लाइन किसकी भी बनेगी, मार्जिनल रेवेन्यू की बनेगी ना दोनों की। यस मैम। तो ये कौन सी लाइन बनी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब भी मैं आपको मार्केट सिचुएशन समझाऊंगी और मैं वहां पे बोलूं परफेक्ट कंपटीशन में ARMR बनाना है, तो डायरेक्ट सीधी लाइन आ रहा है समझ में। यस मैम। अगर टोटल रेवेन्यू की लाइन बनाने बोलूंगी तो कैसे बनाओगे, देखो एक पे कितना आ रहा है 15, ये देखो इसको अगर मैं बढ़ाते चलूं ये 20, एक सेकेंड ना रुको, इसको मैं अगर 10-10 के गैप में लेके चलूं, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये 30, 40, 50 और ये हो गया 60, है ना। मैं फिर से फ्रेज कर रही हूँ डायग्राम को, इसको देखो, और ये कितना बोला मैंने 15 यहाँ पे, तो ये देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनी 15 की, यही क्या है एवरेज रेवेन्यू और यही मार्जिन रेवेन्यू। अब देखो टोटल रेवेन्यू पहले पे कितना है 15, ये फर्स्ट पे 15, दूसरे में कितना है देखो 30, तीसरे में कितना है यहाँ पे 45, फोर्थ में कितना है देखो 60, फिफ्थ में कितना हो जाएगा 75, तो सपोज यहाँ पे 70 है, ये 75th पे, ये 75, तो देखो ये ऐसी लाइन जा रही है सीधी ऊपर की तरफ, आ रहा है समझ में। टोटल रेवेन्यू कोई डाउट है, नो मैम। ठीक है। तो आप देखो जो ये जो फर्स्ट लिखा एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, सेकंड क्या लिखा एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के, तीसरा क्या लिखोगे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। मिली ना एक स्ट्रेट यस लाइन, ठीक। अब फोर्थ देखो क्या लिखा है, ये जो टोटल रेवेन्यू है ये किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो लिखना TR रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन इसमें भी बन रही है लेकिन स्लोप जो है वो किसकी तरफ जा रही है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, इंडिकेटिंग दैट, क्या इंडिकेट कर रही है कि वो इंक्रीज हो रहा है, TR बढ़ते जा रहा है, और कौन से रेट में बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट में। कांस्टेंट रेट मतलब मीन देखो 15-15 का ही डिफरेंस से बढ़ रहा है ना, तो टोटल रेवेन्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन है ऊपर की तरफ जा रही है, इंडिकेट कर रहा है इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, देखो उसका डिफरेंस इतना ही है, सेम है, आया समझ में। यस मैम। तो जब भी नेक्स्ट टाइम पूछूं कि परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू का क्या बिहेवियर है, तो आप क्या बोलोगे मेरे को कि मैम टोटल रेवेन्यू अपवर्ड की तरफ जाती है कांस्टेंट रेट में, और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहती है, हमेशा इक्वल होती है, आया समझ में। यस मैम। कोई यस डाउट किसी मैम। को भी बताओ, कोई डाउट है इसमें, इस यहां तक नहीं है।
अच्छा ठीक है, तो ये कॉम्पिटिशन है ना, तो ये देखो ये था अपना कौन सा सिचुएशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। अब नेक्स्ट देखो इसमें, अब मैं सिचुएशन बताती हूँ मोनोपोली की, देखो इसमें नेक्स्ट सिचुएशन देखो मोनोपोली वाला देखो। अब मोनोपोली के लिए ना वही देखो फिर से, एक ना आउटपुट और सेल्स बता रही हूँ, आपके काम के वो जो चार पॉइंट्स लिखवाए वो थे, समझ में आ रहा है? अब टोटल रेवेन्यू इसमें भी बता रही हूँ, इसमें भी एवरेज रेवेन्यू और इसमें भी मार्जिनल रेवेन्यू। देखो अब टोटल रेवेन्यू में क्या एज्यूम करा है, वही पाँच है, एक दो तीन चार पाँच हो गया टोटल रेवेन्यू। देखो 10 आ रही है, 18, 24, 28, 30, ये टोटल रेवेन्यू आ रहा है। तो एवरेज कितना हो जाता है, 10 डिवाइड बाय 1 करो 10, फिर 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9, ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, और 5 को डिवाइड 30 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या हो जाएगा 6, तो 10 9 8 7 6 हो गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू देखो क्या ले रहा है, क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू, देखो टोटल रेवेन्यू को माइनस करते जाना, क्योंकि देखो एक एक फॉर्मूला क्या बताई थी, एन माइनस वन में माइनस करेंगे nth, नहीं अपोजिट हो गया, रुको क्या था, एन में से माइनस करेंगे एन माइनस वन बताया था ना, तो एन देखो क्या है अपना अभी टू है माइनस, तो एन माइनस वन क्या हो गया वन, तो टू की वैल्यू कितनी है 18 और वन की वैल्यू कितनी थी 10, तो कितना आया 8, आ रहा है समझ में मार्जिनल का, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो 2, तो ये था अपना मार्जिनल। यहां तक डाउट है क्या, बताओ? नो मैम। किसी को भी, आकांक्षा, अपर्णा? नो मैम। नो मैम। एकता, प्रशांत, बेटा कोई डाउट है कहीं तो पूछ लो जल्दी से। नो मैम, नहीं। अब देखो इसको अब मैं प्लॉट करती हूँ इसमें, है ना, अब ध्यान से समझना अच्छे से, ये इधर डाला मैंने रेवेन्यू जैसे वहां पर किया था उस समय पे, और यहाँ क्या किया था आउटपुट किया था, तो पांच पांच का डिफरेंस ले लेती हूँ मैं रेवेन्यू में, है ना, ये जीरो हो गया तो समझो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना, आउटपुट कितना है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 देखो एक पे कितना है 10, टोटल रेवेन्यू लेते हैं तो ये पहले 10, और दो पे कितना है 18, तीन पे कितना है 24, चार पे है 28 और पांच पे है ये 30। तो देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ये यहां से लेके चली मैं इसको, देखो ये कांस्टेंट रेट पे जा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे जाता तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनती, ये ऊपर की तरफ तो है लेकिन क्या कांस्टेंट है, कभी 8 का डिफरेंस है तो कभी 6 का, तो कभी 4 का, कभी 2 का, आ रहा है समझ में? तो हम इस कर्व को क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू वाली कर्व को, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट, देखो इसके बीच का डिफरेंस ये कम होते जा रहा है ना, ये देखो पहले 10 से सीधा 8, 18 हुआ, मतलब 8 का डिफरेंस था, फिर 6, फिर 4 का आया, फिर 3 का, 2 का, तो देखो ये टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है लेकिन रेट क्या है इसका, परसेंट क्या है कम, तो इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, आ रहा है समझ में?
तो पहली चीज याद रखना अंडर मोनोपोली, टी आर इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट. उसमें क्या बताई थी मैं टी आर का, ये देखो इसमें टी आर कैसे रेट में था, कांस्टेंट रेट में. कांस्टेंट मींस क्या था, 15 15 15 का डिफरेंस था पूरे में देखो. और अब वाले में कैसा है, डिक्रीजिंग रेट पहला टी आर का. आया समझ में, बताओ यस मैम. एहानी, प्रशांत, एकता, बताओ बेटा कहीं डाउट है, यस मैम. डाउट है, नो मैम. समझ में आ नो रहा है. मैम. अब नेक्स्ट नो देखो, मैम. एवरेज रेवेन्यू देखो, एवरेज रेवेन्यू ये वाला रफ करूं, टीआर वाला ये वाला मिटाऊं, यस मैम. यस मैम. ठीक है ये टीआर का हो गया था. अब देखो एआर और एमआर डाल के देखते हैं, पहले में कितना आ रहा है 10, दूसरे में 9, तीसरे में 8, 8 है ना. यस मैम. फोर्थ में कितना है 7, फिफ्थ में कितना है 6, तो देखो ठीक है ना. तो ये देखो ये ऐसे आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ये, ठीक है. और एक पॉइंट आता है ये ना, इसको टच कर देता है नीचे की तरफ. अभी मैं आपको बस बता रही हूँ डाउनवर्ड कैसे फॉल कर रहा है. नेक्स्ट देखो एमआर को देखो, एक पे तो है नहीं, दो पे कितना आ रहा है देखो 8, और तीन पे कितना आ रहा है 6, ठीक चार पे कितना आ रहा है 4, और पांच पे कितना आ रहा है ये 2, ऐसे इस तरह ये है तो. ना. तो देखो टीआर की लाइन ऊपर बन रही है, ये वाइब्रेट किसकी हो रही है फोन, ये देखो. तो एमआर किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, और टीआर किधर बन रहा है ऊपर. इसको मैंने कहीं से ऐसे कोर जॉइंट, ये इमेजिनरी लाइन है ना, ये समझो मैं इसको ऐसे ही जॉइंट कर रही हूं ऐसे कहीं से, ठीक है. तो इसमें क्या बताओगे, एम आर इज डिफरेंट फ्रॉम ए आर. उसमें एम आर और ए आर क्या थे, इक्वल थे ना, और इसमें दोनों क्या है, अलग है. प्लस देखो एम आर और ए आर में ए आर बड़ा है और एम आर छोटा है. ये देखो एम आर के जो स्लोप है वो नीचे की तरफ बन रहा है, ये ए आर है बेटा, ये टी आर नहीं. और ए आर की स्लोप किस तरफ है, ऊपर की तरफ है. तो बड़ा कौन सा है, ए आर, और एम आर क्या है, स्मॉल. आ रहा है समझ में. तीसरा लिखना, व्हेन ए आर डिक्लाइंस, ये ए आर है ना, ये जब डिक्लाइन कर रहा है, ये लाइन जब नीचे की तरफ जा रही है तो एम आर भी नीचे की तरफ जा रहा है. व्हेन ए आर डिक्लाइंस एम आर मस्ट हैव डिक्लाइन, मस्ट ऑल्सो, मस्ट नहीं लिखना. एम आर ऑल्सो डिक्लाइंस एंड फास्टर देन ए आर, और उससे ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ जा रहा है. तो यहां तक बताओ कोई डाउट है, नो तो याद रखना हमेशा मैम. सब, हम जब मार्केट सिचुएशन पढ़ेंगे किसकी, मोनोपोली की, तो मैं ना उसमें डायरेक्ट डायग्राम में ना ए आर ऊपर कर दूंगी और एम आर उसके नीचे करूंगी, और टी आर को मैं ऐसे करके ऐसे डाल दूंगी. तो पूछना मत कि मैडम एम आर इधर क्यों आया और ए आर इधर क्यों आया, ये अभी ही समझ लो. ए आर इस तरफ आएगा, एम आर जस्ट उसके नीचे, और टी आर ऊपर की तरफ डिक्रीज इंक्रीजिंग है, बट कौन से रेट में, डिक्रीजिंग रेट में. तो ये तीन चीजें लिख लो जल्दी से, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड. कहीं डाउट है किसी को,